दिस इज वीडियो नंबर 11 और इसके अंदर वेक्टर्स के कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, लाइक यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो तो मैं बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस काम आता है हमारे, वो सब मैं डिस्कस करने वाला, मेजॉरिटी वही पोर्शन है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज पैरेलल टू वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है बट डायरेक्शन कितनी है, कौन सी है, जो इसकी है, ए वेक्टर, सॉरी इसका नाम ए वेक्टर है, इसका फिर बी वेक्टर रख लो। मुझे एक वी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, ए वाली, यानी कि ए कैप। ए कैप हो गया, ए कैप क्या होता है बताओ, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1, मतलब कि वो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको चेंज नहीं करेगा, यही चाहिए मुझे, मैं 5 ही चाहता हूं, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है ए ए कैप की, जो डायरेक्शन इसकी है। तो ए कैप कैसे निकालें, इस पे पूरा क्वेश्चन है ये। तो ए कैप कैसे निकालते हैं ये बड़े अच्छे से मालूम है आपको, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ ए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया ये 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो ए कैप क्या हुआ, देखो ए कैप क्या हुआ, ए कैप हो गया, ए कैप देखो मैं लिख रहा हूं 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k, ये हो गया आपका ए कैप, 3 से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इसका जब आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अगर आप अंडर रूट करके, वही क्या आंसर आएगा 1, और इसकी डायरेक्शन कौन सी वाली है, ये वाली, आंसर आ गया 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आंसर आ गया, बी बी वेक्टर जो मैंने निकालना था उसका क्या आंसर आया, बी वेक्टर जो मुझे निकालना था उसका आंसर आ गया 10/3i प्लस 5/3j माइनस 10/3k, ठीक है, लिख लेना आप, जगह नहीं बची है, तो 10/3k कैप लिख लेना इसको, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं, देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द 10 times द डेट ऑफ ए वेक्टर। इस जो हमने अब सी वेक्टर निकालना है ना, हमने जो अब सी वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10 times द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, 10 times मैग्नीट्यूड, 10 मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा, तो 50 हो गया भाई इसका मैग्नीट्यूड, किसका, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 होगा, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 होगा, ये हमने पता लगा लिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू का मतलब होता है डायरेक्शन कौन सी चाहिए, बी वेक्टर वाली, तो इसके वाली डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे होगी, 50 × b कैप लिख देता हूं। तो जो b कैप है वो कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया आपको, खुद करोगे आप, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अच्छा मैग, अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है उसका, अब क्या, अब देखो c वेक्टर जो निकालना पता क्या है वो, उसका मैग्नीट्यूड है a वेक्टर वाला लेकिन डायरेक्शन है कौन सी, b वेक्टर वाली, ये लो b कैप आपको निकालना, अभी सिखाया, a ए तो अभी निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अच्छा बी कैप कैसे निकालेंगे, बी कैप निकालने के लिए आपको इसी बी वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, बी के मैग्नीट्यूड के साथ,
बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इससे 3i प्लस 4j माइनस k को उससे डिवाइड कर दो, आपको बी कैप मिल जाएगा, खुद करो। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 को प्लानर वैक्टर्स, को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में है वो, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स कि उन ट्राइंगल उस सॉरी अगर उन वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में कनेक्ट करें, अगर उन वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में कनेक्ट करें तो ट्राइंगल कंप्लीट बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई भी क्लोज्ड फिगर हो सेम ऑर्डर में बनाई गई तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे पहले से गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स कि ट्राइंगल तो बनेगी, 100% ट्राइंगल तो बन गई। अब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है उसमें, और जो सी वेक्टर है वो रूट टू ए वेक्टर है, जो सी वेक्टर है वो रूट टू ए वेक्टर है। अब मैं सी वेक्टर का मॉड निकाल देता हूं आपको, तो सी वेक्टर इक्वल टू रूट टू ए वेक्टर है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। हमें मालूम है कि सी, पहली बात ये कि क्या कि सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल तो बन गई है, ठीक है, तो सी वेक्टर इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ट्राइंगल बनी है ना, तो इसका मतलब सी वेक्टर जो है उसको हमने क्या मान लिया कि रिजल्टेंट है, सबसे बड़ा वही है, ठीक है, रिजल्टेंट नहीं। इस तरह से देखो मैं बताता हूँ आपको, ये आ गया आपका a वेक्टर, ये आ गया आपका b वेक्टर, और ये आ गया आपका c वेक्टर, ऐसे तीन वेक्टर हैं। हमें मालूम है कि ये अगर c वेक्टर, ये जो मैंने c वेक्टर जिसको बोला, अगर ये ऐसा होता, इसका एरो इधर होता, तो c विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस होना था, ठीक है, तो दैट मीन वो तो डायरेक्शन का ही सिर्फ फर्क है, मैग्नीट्यूड तो इसका पता है ना हमें, कित कैसे निकालते थे वही पैरलोग्राम लॉ लगा के, तो कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करो, आप क्या करोगे, इसकी सी ये मॉड है, ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2a रूट 2a गिवन है क्वेश्चन में, रूट 2a है। अच्छा, a और b दोनों बराबर हैं, a और b की जगह a और b डाल दो, यहाँ पे भी a और b डाल दो, आपको थीटा मिल जाएगा, आप थीटा कैलकुलेट करना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। डैट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल आपकी बनी है इसमें a और b के बीच में, इसमें a और b के बीच में मैंने जो एंगल एप्टीज लिया था वो नहीं है, वो 90 डिग्री एंगल है, तो दिस ऐसा होगा, ठीक है। ये देखो अब ये सारी कहानी है, ठीक है, ये आ गया आपका ए वेक्टर, ये आ गया आपका बी वेक्टर, ये आ गया आपका सी वेक्टर। अब मुझे पूछा है ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 निकाल लिया हमने, बी और सी के बीच में कितना एंगल है, बी और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको पता चल गया ये ए और बी बराबर है, तो ये 45 45 है, लेकिन ए और बी का एंगल निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको आगे खींचना पड़ेगा, ठीक है, इसको आगे खींचना पड़ेगा, इसको आगे खींच के ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल कितना आया, 180 माइनस 45, मैंने सिखाया आपको, जब ये पता चल गया तो अब आना चाहिए आपको। फिर इसी तरह से मैंने किसके बीच में एंगल निकालना है, इसके बीच में ए सी और ए के बीच में एंगल निकालना है, तो सी को आगे खींच लो भाई, सी को आगे खींच लो, ये वाला एंगल 45, तो ये भी 135, तो तीन आंसर आ गए हमारे पास, क्या ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 आएगा, बी और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो 135 आएगा, और सी और ए के बीच में भी एंगल 135 आएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा है इसमें, इसमें बोला है कि बताओ ये तीन वेक्टर्स आपस में को प्लानर हैं। ये याद रखना, नया थोड़ा सा अलग है, बाकी जो अभी तक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अलग है, मैंने नई बात बतानी थी, मैंने कहा चलो न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बता देता हूं। क्या है इसमें बात बतानी है मुझे, कि जब भी कोई तीन वेक्टर्स अगर को प्लानर होंगे ना, तो उनमें से कोई एक वेक्टर उठा लो, जैसे मैंने यहां सी वेक्टर उठाया, विल बी इक्वल टू एम, एम यहां पे स्केलर है, कोई स्केलर होता है, वेक्टर नहीं है, मतलब कोई 2 3 4 कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, यहां प्लस एन
बी ऐसा होगा, ये ऐसा अगर सेटिस्फाई करता है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लानर होंगे, इफ एम एन एन आर स्केलर्स, ठीक है। तो सी वेक्टर अगर इसके बराबर, तो सी वेक्टर मुझे गिवन है क्या, सी वेक्टर मुझे गिवन है क्या, आई प्लस जे प्लस एक्स के इक्वल टू एम, ऐसे करके, ठीक है, एम टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस एन बी वेक्टर क्या है, थ्री आई प्लस जे प्लस के, ये बन गया। अब ध्यान देना, अब इसको खोल लो क्या बन जाएगा, आई जे, ये जो राइट हैंड साइड है इसके आई जे के निकाल लो, राइट हैंड साइड के निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आप समझना, टू एम प्लस टू एन, देखना क्या, टू एम प्लस थ्री एन और इक्वल टू क्या आएगा, वन, ये राइट हैंड साइड पे आई का कोफिशियंट, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आई का कोफिशियंट, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस एम, देखा, माइनस एम प्लस एन, माइनस एम प्लस एन इक्वल टू ये भी क्या आएगा, वन, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन बनेगी थ्री एम, थ्री एम प्लस एन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस एक्स को भी इधर ले जाना, इस एक्स को भी इधर ले जाना, माइनस एक्स लिख देना इक्वल टू इसको क्या लिख देना, जीरो। ये तीन इक्वेशंस बनेंगी जिसमें तुम एम एन, एम एन और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे पूछा सिर्फ एक्स की है, बट आप एम एन की भी निकाल सकते हो, किसी क्वेश्चन में एम एन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आंसर्स जो आएंगे वो ये आएंगे, इसमें आंसर आएगा एन इक्वल टू एम एन इक्वल टू एम एम, एम इक्वल टू थ्री बाई फाइव, एन इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव, अच्छे से करना है इसको, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है। थोड़ा है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन तब भी आपको आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हमने एक्स की वैल्यू अगर ये डालोगे तो ही जाके ये तीनों वेक्टर्स क्या बनेंगे, कोप्लानर बनेंगे। एम और एन पूछा नहीं है आपको, सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है समहाउ। अगर क्रैमर कोई लगाना चाहता है क्रैमर लगा ले, क्रैमर के बिना कोई करना चाहता है क्रैमर के बिना कर ले, वैसे क्रैमर लगाने की जरूरत नहीं है, जो पहली दो इक्वेशंस बनी थी उनको सीधा सॉल्व करो, उधर से एम एन निकल जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन में डाल दो वहां से एक्स निकल जाएगा, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। आप एक्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है एम, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं, एम एन और एक्स, तो एक्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैसे, डेल थ्री अपॉन डेल करके, डेल थ्री अपॉन डेल करके निकाल सकते हो। आप प्रैक्टिस करो क्रैमर रूल की, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू डायरेक्ट माइनस थ्री बाई फाइव आ जाएगी एम एन को निकाले बिना। तो अगर आप नहीं भी निकालना चाहते एम एन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा नहीं गया था क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू।